फिर डोंगरगढ़ में अपनी पत्नी वीरा सिंह के साथ मां बम्लेश्वरी माता के दर्शन करने पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन के उनके अहिंसावाद के संदर्भ में बताते हुए गॉडसे और वीर सावरकर मुद्दे पर भूपेश सरकार को छोटी मानसिकता बताया। साथ ही नरवा गरुआ घुरवा और बाड़ी योजना का बुरा हाल बताते हुए कहा कि भूख प्यास से गायों की मौत हो रही है, सरकार सड़क नाले पुल बाड़ी गरवा कुछ नहीं बना रही है, सरकार दिवकीय होने के कगार पर है और उनके पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं है। जो हालत है नरवा गरुआ का और बाड़ी का, मुझे लगता है रोज 50 गाय इनकी गौठान में मर रही है, बिना पानी के, बिना चारा के, बिना भूसा के, बिना बाउंड्री वाल के। ये सरकार का जो फ्लैगशिप स्कीम है जिसके आधार पर ये पूरी राजनीति कर रहे हैं, ना सड़क बना रहे हैं, ना पुल बना रहे हैं, ना पुलिया बना रहे हैं, ना बारी बन रहा है, ना गुरुआ बन रहा है, ना इनका गौठान बन रहा है।